प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी, भारतीय फिल्म जगत की बेहतरीन कलाकार सुश्री कंगना रनौत जी, पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गोविंद ठाकुर जी, मान्य विधायक श्री सुरेंद्र सौरी जी, पूर्व सांसद जिनके साथ मुझे भी संसद में कई बार रहने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे श्री राजा महेश्वर सिंह जी, पूर्व प्रत्याशी कुल्लू श्री नरोत्तम ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष कुल्लू श्री अरविंद चंदेल जी, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर जी, पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी राम शरण जी महाराज, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में कुल्लू में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, देवभूमि और वीरभूमि दोनों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि चुनाव के दौरान कितना सुहावना मौसम है। पिछले 3 महीने से हम लोग मैदान में गर्मी से जुलस रहे हैं। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था, कल गोरखपुर में 48 डिग्री टेम्परेचर था, और जब यहां पर मैं आया तो मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में देवभूमि हमारा हिमाचल प्रदेश क्यों कही जाती है। यद्यपि मेरा जन्म भी पहाड़ों में ही हुआ है, लेकिन ये तो प्रकृति और परमात्मा का एक संयोग होता है कि हम लोग चलते चलते फिर कहीं और निकलते हुए आज मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जब मुझे बताया गया कि मुझे हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए जाना है, मैंने कहा कंगना जी के लिए तो जरूर जाऊंगा, और इसलिए जाऊंगा कि हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है, और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे, तब पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है, तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है, और अगर कोई कुछ बाल बांका भी करेगा यहां की दूर भूमि खड़ी हो जाएगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में यहां पर उनके प्रचार के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम हिमाचल प्रदेश में मंडी में देखें, हमीरपुर में देखें, शिमला में देखें, पालमपुर में देखें, या देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक, पूरे हिंदुस्तान को जो हम देखते हैं, एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर पूरे हिंदुस्तान का है, और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो बहन और भाइयों
कांग्रेस चारों खाने चित्त होती है क्योंकि वह स्वयं 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। 400 सीटों पर भी अब उसको चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तो जनता जनार्दन से पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन ही कह देती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको। क्या हिमाचल और मंडी भी इसके लिए तैयार है ना? जो राम को लाए हैं। और फिर जनता जनार्दन ये भी कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। आप भी यही सोचते हैं ना? पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, यह राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में आकर के अब सिमट गया है। राम द्रोही वही जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, राम द्रोही वही जो भारत के स्मिता और भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, राम द्रोही वही जिन लोगों ने भारत के विकास को बाधित किया, जिन लोगों ने गरीबों के हितों पर डकैती डाली, जिन लोगों ने भारत को हर स्तर पर अपमानित करने का काम किया। और राम भक्त वही जिसके लिए भारत का हित सर्वोपरि है। राम भक्त वही जो भारत की अस्मिता को पहचानता है, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करता है, अयोध्या में रामलला को विराजमान करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और जो आपके पूर्वजों का संकल्प था, यही संकल्प होता था यहां के पालनपुर में 1989 में पहला संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया था और अब पारित किया था कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए हम आंदोलन करेंगे। यही हिमाचल प्रदेश है। और आज जो संकल्प उस समय हम लोग नारों में लगाते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, यही बोलते थे ना, अब तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कोई संदेह? 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया ना, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और 500 वर्षों के बाद पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली और अपना जन्मोत्सव भी मनाया। बहनों और भाइयों, मैं आप सभी कुल्लू वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं, इस बात के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप यहां पे विजय दशमी का आयोजन बहुत भव्यता के साथ करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन आज मैं आप सबसे भी कहूंगा, आज जब आप अयोध्या आएंगे आपको एक नई अयोध्या देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या साक्षात इस धरती पर आ गई हो। और अयोध्या में हम लोगों ने कैसे एक एक कार्य को वहां पे संपन्न किया है, यही तो है हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव। अयोध्या में अगर प्रभु राम विराजे हैं तो अयोध्या में मंदिर में प्रभु राम को विराजमान करने के पहले वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो बहनों और भाइयों, पहली रात उन्होंने बिताई थी निषाद राज के यहां, पहली रात उन्होंने बिताई थी निषाद राज के यहां। अयोध्या में जितने भी रेन बसेरा और यात्री विश्रामालय हैं, वहां है निषाद राज के नाम पर। और जब माता सीता को ढूंढने के लिए प्रभु राम वनों में भटक रहे थे तो प्रभु राम के उस समय के सहभाग से उन समय भगवान राम को बेर खिलाने का काम किसी ने किया था, वह माता सबरी ने किया था। जितने भी भोजनालय हैं उन भोजनालय का नाम
माता सबरी के नाम पर रखने का काम भी किया गया है अयोध्या धाम में, अगर आप आएंगे तो। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, काशी में आप जाएंगे काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में आप आएंगे श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण, और अयोध्या और काशी का जब काम हो चुका है तो हम तो अब तैयारी कर रहे हैं मथुरा की तरफ जाने की। बहनों और भाइयों, हम भारत के स्मित्व और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं है, हम तो भारत को भारतीयता के रूप में पहचानने वाले, भारत की अस्मित्व और अस्तित्व के लिए जो आवश्यक होगा उस प्रकार का कदम उठाने में हमें कोई संकोच नहीं। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 10 वर्ष में, मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को, एक ऐसा भारत आज जो एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत भी है, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, हिमाचल का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। मुझे याद है ये महेश्वर सिंह जी हैं, हम लोग संसद में रहते थे, कांग्रेस की सरकार थी, और देखते थे हम लगातार आतंकी घटनाएं घटित होती थी, कभी कश्मीर में, कभी दिल्ली में, कभी अहमदाबाद में, कभी चेन्नई में, कभी अयोध्या में, कभी काशी में, कभी लखनऊ में, लगातार घटनाएं घटित होती थी। हम लोग उस समय की कांग्रेस की सरकार से कहते थे कि आतंकवाद से निपटो, आतंकवाद के सामने क्यों घुटना टेके हुए हो, ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। हमें आश्चर्य होता था, सरकार कह दे पल्ला झाड़ दे। और आज आप देखते होंगे आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त, अब तो कहीं भी आतिशबाजी करते हुए कोई पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, उसे मालूम है ये नया भारत है, ये नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, नए भारत में आप विकास के नए नए कार्य देख रहे होंगे, हाईवे 2 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे, रेल, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत की नई ट्रेन की सुविधा, एयरपोर्ट की सुविधा, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, मेट्रो की सुविधा, रोपवे की सुविधा, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक संजाल पूरे देश के अंदर आज हम देख सकते हैं। अब तो हिमाचल प्रदेश में भी अपना एम्स है। बहनों और भाइयों, आज जिस कार्य के लिए पहले भारत के वासी दुनिया के अंदर जाते थे, आज वह मोदी जी ने भारत के अंदर ही उपलब्ध करवाने का काम किया है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की इतनी लंबी फेरस्त है, एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है 23 करोड़ की कुल आबादी, वह भी भूख से मर रही है। और मैं कहता हूं उन लोगों से, इन कांग्रेसियों से मैं कहता हूं जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहता हूं काय भारत में बोझ बने हो, पाकिस्तान में जाओ वहां कोई भीख भी नहीं देगा, वहां कोई भीख भी नहीं देने वाला है। अरे जो स्वयं भूखों मर रहा है, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। और बहनों और भाइयों, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, दूसरी तरफ 60 करोड़ लोग भारत के अंदर ऐसे हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, जिन्हें भारत के अंदर 60 करोड़ लोग, हम लोगों ने देश के अंदर ऐसे हैं
जिन्हें 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य की सुविधा है। और मोदी जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा था 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाएंगे, कोई चिंता नहीं घर वालों को। मोदी जी ने कहा है किसान सम्मान निधि जारी रहेगी, 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं, हर घर में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ घरों में गैस के कनेक्शन पहुंच गए हैं। और मैं जयराम ठाकुर जी को धन्यवाद दूंगा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने रसोई गैस के 100% सिचुएशन को अपने राज्य में पूरा कर दिया है। ये पहला राज्य है, ये भाजपा का पहला राज्य था जहां पे जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में काम पूरा हुआ। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ लोगों को आवास देश के अंदर प्राप्त हुए हैं। मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो मोदी सरकार बनने के साथ बचे हुए गरीबों के लिए भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम होगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, विरासत और विकास का अद्भुत संगम देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भानुमती का पिटारा है। आप देखो कितने कैसा इनका गठबंधन है, कैसा कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसे कैसे इन लोगों का गठबंधन है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के अंदर टीएमसी और कांग्रेस कहती है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे ही हर राज्य में इनके हाल है। और इनका घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। बहनों और भाइयों, भाइयों बहनों, कांग्रेस को वोट देने का मतलब आज के दिन पर मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। जो काम मुस्लिम लीग ने, जो काम 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने किया था, आज कांग्रेस वही काम करने जा रही है। उसका घोषणा पत्र तो देखो, उसका घोषणा पत्र कहता है कि पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं, पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और मार्केट नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर उन्हें दुबक के रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा करती है, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी सरिया कानून से भारत नहीं चलेगा। कांग्रेस की इन मंशाओं को पूरा नहीं होने देंगे। और वीर भूमि हिमाचल प्रदेश से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हमें कांग्रेस की मंशाओं को पूरा नहीं होने देना है। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, कांग्रेस के सहजादे से किसी ने पूछा क्या करेंगे सत्ता में आकर के, कहा गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने पूछा कि भाई बताओ तुम्हारी दादी भी यही नारा देती थी और तुम भी यही नारा दे रहे हो, कहा दादी ने नारा दिया था लेकिन मैं एक झटके में हटा दूंगा। कहा कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? उसने कहा संपत्ति का सर्वे कराऊंगा। संपत्ति का सर्वे का मतलब आप जानते हैं, पहले आपकी संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, आपके फादर ग्रैंडफादर ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने, आपके फादर ने, आपके मदर ने, आपकी मां, आपके पिता, आपसे किससे कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हुई है,
उस पर ये वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स में आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे, आपकी आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे, और आधी प्रॉपर्टी लेकर के फिर उसको किसी पाकिस्तानी, किसी अफगानिस्तानी और किसी बांग्लादेशी और किसी रोहिंग्या को, घुसपैठे को दे करके। अब आप सोचो, आपका चार कमरे का घर है या दो कमरे का घर है, आपके पिता ने, आपके ग्रैंडफादर ने बना करके आपको दिया है, उसमें से आधे में आप रहेंगे और आधे में एक किसी घुसपैठिए को रख देंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या कुल्लू वासियों में पूछना चाहता हूं, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या ये, क्या कांग्रेस की मंशा पूरी होनी चाहिए क्या? और मैं इसीलिए कहता हूं, इनका ये वरासत टैक्स जजिया कर है, औरंगजेब का जजिया कर। औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब, बहन और भाइयों, कोई मुसलमान भी, कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को उसने जेल के अंदर कैद कर दिया था। और कैद करने के बाद शाहजहां ने कहा है, शाहजहां की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, शाहजहां ने, अगर आप खुदा पत्र लाइब्रेरी पटना कभी आपको जाने का अवसर प्राप्त हो तो वहां जाइए, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़िए। शाहजहां कहता है कि दुष्ट औरंगजेब, तुझ जैसा कमबख्त पुत्र कभी किसी को पैदा ना हो, तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, और तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी उनको श्राद्ध और पितरों को जल दे करके उनकी तृप्ति करते हैं। बहन और भाइयों, जिस औरंगजेब के बारे में उसका बाप ये कहता हो, उस औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था, यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बहनों और भाइयों, हमें इन दुष्टों को फिर से जीवित नहीं होने देना है, और इसीलिए तो हम यूपी के अंदर बहुत सख्ती से निपटते हैं इन लोगों से, बहुत सख्ती से। आपने देखा होगा, आज तो मैं जब हिमाचल आता हूं तो हिमाचल का ट्रांसपोर्टर मेरे पास आता है, कहता है साहब, जब से आपकी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, हम बड़े सुकून से यूपी के अंदर जाते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा साहब, आज वहां कोई परेशानी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई पैसा हमसे नहीं मांगता, लेकिन दूसरी तरफ वहां पे ये औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले जितने बड़े बड़े माफिया थे, इन माफिया को हमने एकदम ठीक करने का काम किया है। बहन और भाइयों, हमारा संकल्प था कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, और संकल्प भी पूरा हुआ, और हमारा संकल्प था कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करके इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। आपने 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगे का नाम सुना? अब नहीं होता दंगा, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं, हर ओर खुशहाली है, विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है यूपी। और इसीलिए, क्योंकि हमने कहा रे, जिसको औरंगजेब प्यारे हैं तो उसकी कब्र में ही जाओ, तुम्हें वहीं दफना देते हैं। और बहन और भाइयों, आज यूपी में सब चंगा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, कांग्रेस भटक चुकी है, पूरी तरह अपने रास्ते से भटक चुकी है, मुस्लिम लीग का एक नया संस्करण के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, किसी बहकावे में नहीं आना है। यहां पे देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी ने
आपके बीच में प्रत्याशी बना करके सुश्री कंगना रनौत जी को आपके पास भेजा है। देखिए उनके पास प्रतिभा है, कार्य करने की क्षमता है, उनके पास कला भी है और कला के माध्यम से इस मंडी संसदीय क्षेत्र को कैसे चमकाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये विकास के कार्य करने की एक जज्बा भी है, कार्य करने का आगे बढ़ने का एक उनके पास क्षमता भी है और जज्बे को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य भी है। आपने उनकी सामर्थ्य को देखा होगा। आप सोचिए इस पहाड़ से निकल करके अपने बल पर, अपने दम पर, अपने संघर्षों के बल पर जिन्होंने भारतीय सिने जगत में अपना एक स्थान बनाया हो। और अब मुझे पता लगा इन्होंने बीच में एक फिल्म में जयललिता का रोल किया था, बहुत शानदार रोल था इनका। आप कभी उनकी उस फिल्म को देखेंगे तो ऐसे लगता, मैं कहता था भी ये लड़की जयललिता का रोल मुख्यमंत्री के रोल को कैसे कर देगी, लेकिन बहुत शानदार रोल उनका उस समय था। और अब मैं कह सकता हूं कि बहनों और भाइयों, जब वो चुनाव लड़ने के लिए मंडी में आई है तो कुल्लू वासियों की जिम्मेदारी बनती है, कुल्लू वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सामर्थ्य को, उनकी शक्ति का उपयोग करें, उन्हें अपना सांसद बना करके भेजें, देश की संसद में, देश के अंदर जो पूरी आवाज एक स्वर पूरे देश के अंदर है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो 400 पार में मंडी समेत हिमाचल की चारों सीटें आएंगी। दोनों हाथ पाकर मुझे आश्वस्त करिए, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आज सायकाल प्रचार बंद होगा, कल केवल घर घर संपर्क कर पाएंगे आप। आप दोनों हाथ पाकर के मुझे थोड़ा आश्वस्त करिए, करेंगे, जिता के भेजेंगे। लेकिन इसके लिए सभा के बाद और कल एक दिन का समय मिलेगा कि आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जाकर के जनसंपर्क कर पाएगा, कर पाएगा। और परसों उन सबको मतदान केंद्र में ले जाके मतदान करवा देगा, करवाएगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको कंगना जी से भी कहूंगा, यहां के सभी विधायकों से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार अयोध्या का दर्शन करने के लिए आए। इन लोग, सब लोगों को अयोध्या का दर्शन कराने के लिए लेके आए। कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के इच्छुक है? पूरा कुल्लू ही दर्शन करना चाहता है। आप आ जाएंगे तो मैं सारी व्यवस्था अयोध्या में कर दूंगा, अयोध्या में सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी। सहमत है? कमल खिलेगा, दोनों हाथ जाके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम जय, श्री राम जय, जय श्री राम। नहीं है ये, आप तस्वीरें जो देख रहे हैं पहली जनसभा की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कंगना रनौत उनके लिए जनप्रचार करते हुए जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं आज मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। हमीरपुर में इसके बाद अनुराग ठाकुर के लिए जनसभा को करेंगे संबोधित और फिर पंजाब की तरफ कूच करेंगे।